1000 रुपए का लिया था। शाम के 4 बज रहे हैं। आई वॉज नॉट एट ऑल इन अ स्टेट ऑफ माइंड टू स्टार्ट द व्लॉग इन द मॉर्निंग। इफ यू कम ओनली फॉर अ चैलेंज यू कैन स्किप टू दिस टाइम फ्रेम। नाउ आई एम मेकिंग चॉकलेट आलमंड बटर। यू मस्ट बी वंडरिंग के हेलो बेडरूम में कहाँ से आप बटर बना रहे हो। सो आई हैव माई मिक्सर। When I started making it, तब dad की meeting चल रही थी hall में, तो you know how loud a mixer is, I'll remind you. So because of that, मैं room में आके बैठ गई. I have taken 20 to 25 almonds. See, already नीचे ना paste बनना शुरू हो गया. सॉल्ट एंड कैरमल वाला फ्लेवर आ रहा है, सो टेस्टी यार। एक अनहेल्दी चीज नहीं है इसमें, एक अनहेल्दी चीज। लेट्स गो एट इट। खिचड़ी बेसन चिल्ला। स्नैक्स कर लिया है मैंने। मैं और मम्मी अभी षड्यंत्र रचने आए हैं। हम मेकअप प्रोडक्ट्स चूज करने आए हैं डैड के खिलाफ। हेलो, आई हैव माई फादर ऑन माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर लाइक अ सोलो वीडियो। बिफोर एनीवन कमेंट्स, ये सैड नहीं है, ये गुस्से में भी नहीं है, नॉर्मल फेस होता है सबका। सब लोग पूरा टाइम हंसते नहीं रहते, तो या दैट्स माय डैड के आयुर्वेद। तो टुडे हम चैलेंज करने वाले हैं मेकअप प्रोडक्ट्स का प्राइस गेस करने में। एंड व्हेन इट कम्स टू गेम्स, मेरे डैड ना बड़ी चीटिंग करते हैं, तो इवन बिफोर दिस वीडियो ही इज लाइक, मेरे को एक दो का तो प्राइस देखने दे। आई एम लाइक नहीं नहीं, तो आप नर्वस क्यों है? मैं नर्वस नहीं, बिकॉज़ आई डोंट यूज दिस प्रोडक्ट, हाउ कैन आई गेस? एनीवे शी वांट्स। आप स्किन केयर यूज करते हो, तो नेक्स्ट टाइम स्किन केयर का गेस करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए। गेम के रूल्स है कि आई विल टेल हिम वेदर द ब्रांड इज अफोर्डेबल, मीडियम एक्सपेंसिव और वेरी एक्सपेंसिव, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट ही विल गेट अ रेंज। अगर ब्रांड अफोर्डेबल है तो 50 रुपीज ऊपर या नीचे चलेगा, अगर ब्रांड मीडियम एक्सपेंसिव है तो 100 रुपीज ऊपर नीचे चलेगा, और अगर ब्रांड बहुत एक्सपेंसिव है तो 200 रुपीज ऊपर नीचे चलेगा। एंड इफ यू विन, व्हाट यू वांट इफ यू विन? आई वांट नथिंग। वी शैल स्टार्ट विद समथिंग that he should know the price of, ये एक कंघी है टैंगल टीजर, and he should know the price of this because he uses same brand का कंघी, and तभी मैंने इनको बताया था कि ये कितने का है। I don't remember, तो it's very dodgy, price range very expensive brand. Around 700. But when I bought this, ये मैंने 1000 रुपए का लिया था। First point पापा को नहीं मिलता है। I sincerely tell, मुझे लगता है एक का भी मेरे को range, I will be perfect. कितना product है, कितना shades है, कितना glitter है या normal है? I have never used this product, how can I guess? वही तो मजा है। So this is your next product, but you can't see behind because इसके पीछे price लिखा हुआ। So what? Medium, high, low? It is an affordable product. Should be around 200 rupees. Okay. इसके एक्चुअल प्राइसेस 90 रुपीज, 90। ये वाला डैड थोड़ा सा चुप गए। एक्चुअली नेल पॉलिश का प्राइस 200-250 ही होता है एवरेज, बट ये मिनी सो का है इसलिए बहुत सस्ता है। यू विल डू बेटर, आई ट्रस्ट, आई हैव फेथ इन यू। थर्ड प्रोडक्ट है ये मेकअप का ब्रश। मम्मी ने मेरे को ये प्रोडक्ट इसलिए चूज कराया कि ये दाढ़ी के ब्रश जैसा लगना चाहिए, शेविंग का ब्रश नहीं होता फोम लगाने के लिए। 300। तो मैंने तो ये सेट में लिया था। टेक्निकली 300 rupees can be accepted, but individually this brush comes for like 700-1000 rupees. But ठीक है, that gets his first point. First point. Next product, a liquid lipstick.
अगेन इसका पीछा आप नहीं देख सकते बिकॉज़ वहां पे प्राइस है. यू कैन ओपन इट एंड सी इफ यू वांट बट यू कांट सी द बैक. बट व्हाट इज द एक्सपेंसिव? या should be around 500 rupees. Should be, I don't know how to open also. Now this is telling me to guess the price. Not done. 500 rupees. So this lipstick is priced at 1,250 rupees. I can't imagine how they are using all these things. Okay, next product is his first palette. Palette means you have multiple things that can be used for multiple purposes. What do you think this palette must be for? Face ke upar color. But face ke upar kidhar? Anywhere. Just to brush up things with the coloring. The pinks are for cheeks to look like, you know, someone is blushing. 700 rupees. Bas, 8 products for 700 rupees. Exact same one is not available here. But iska most similar one is for 1,050. So next is something very common. 100 rupees. It's a kajal. 100 rupees. You don't even want to ask if it's expensive. It's an expensive brand. Should not be more than... Chalo. Next 200, sir. तो ये काजल का प्राइस है 495. इसका भी आप पीछे का नहीं देख सकते. कॉम्पैक्ट पाउडर. दिस इज अ मीडियम एक्सपेंसिव ब्रांड. 300 rupees. दिस माइट बी द क्लोजेस्ट गेस ही डन बिकॉज दिस इज फॉर 250 rupees. ग्रेट. गुड जॉब. नेक्स्ट इज दिस प्रोडक्ट. यू हैव टू टेल मी व्हाट डू यू थिंक इसका यूज होगा. मेकअप रिमूविंग लिक्विड. ऊपर का ढक्कन मैंने पकड़ा है बिकॉज उस पर प्राइस लिखा है. Since it's New York, it's very affordable. 200 rupees. 115 rupees. लॉजिक वॉज क्वाइट नाइस. मेबली न्यूयॉर्क लिखा है तो न्यूयॉर्क लिखा है तो इम्पोर्टेड लगा उनको. गुड ब्रेन्स. एंड फॉर द फाइनल एंड लास्ट प्रोडक्ट आई हैव दिस आई शेडो पैलेट जिसमें कितने शेड्स है. 144 शेड्स है. तो प्लीज उस हिसाब से गेस्ट करना. यू डोंट हैव टू गेस द सेल प्राइस. यू हैव टू गेस द MRP. मीडियम रेंज. वेरी एक्सपेंसिव. वेरी एक्सपेंसिव. 4,500. नॉट दैट एक्सपेंसिव. थोड़ा यू कैन चेंज. 3,000. So 3,500. But you know what? He deserves that point. How to guess a price of something so huge? He got 4 correct out of 10. 4 out of 10 for someone who has never purchased makeup. So jitni bhi baar dad mom ke liye kuch gift laate hai, wo greeting card ya flowers ya aisa kuch ya jewelry rehti hai. But makeup he has never ever. I've never ever seen makeup also. They apply, I go out of the room. But I am proud of you. Thank you. Good. Well played. Bye, guys. Bye. Destination nowhere. I travel on my own. Here I come. Big shout out to Kritika. Kritika is my awesome friend who is an amazing travel blogger. So, hum usi ke videos dekh rahe hain abhi. I'm out of the cold. Here I come. You better watch out. Better beware, the rumor is out. Nothing can stop me, I'm going for gold. I'm out of the dark, I'm out of the cold. आज मम्मी ने 3 सीक्वेंस बनाए और मेरा एक भी नहीं बना. फुल वाइट वॉश कर दिया. चलो जय श्री कृष्ण. I know it's gross, but sleeve में पहुंचने वाला satisfaction napkin में नहीं आता है. हैया हो हैया. I was trying to show you my vitamin C का दवाई. Our family doctor recommended that to us. आप भी आपके डॉक्टर से पूछ लेना, कंफर्म कर लेना ब्रांड एंड कितना डोजेज है वगैरह. बस आई एम ऑफ टू बेड. आई होप दिस व्लॉग वाज डिफरेंट. वेट, वहां मैं झुक के की बात कर रही हूँ जब मैं कैमरा का एंगल एडजस्ट कर सकती हूँ. I'm gonna make a separate night routine video. तो मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताया बट आई होप यू एन्जॉय दिस व्लॉग बिकॉज इवन आई वॉन्ट टू डेली और एटलीस्ट व्लॉग सुपर ऑफन बट ना मेरा रोज का शेड्यूल फिक्स रहता है बीजेपी ही. बर्तन झाड़ू पोछा, एक्चुअली झाड़ू पोछा मैं नहीं करती, झाड़ू पोछा डाट करके देता है बट लाइक द हाउस होल्ड वर्क एंड एडिटिंग एंड थोड़ा बहुत शूटिंग. तो मैं भी कन्फ्यूज थी कि अब तो रोज वही चीज़ देख के बोर हो जाओगे बट दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि आई ट्राई माय बेस्ट कि हर व्लॉग में
कुछ ऐसा स्पिन हो जैसे आज हमने डैड के साथ चैलेंज किया. आई होप यू एंजॉयड इट. आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून. अंटिल देन गुड बाय.